हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट वीडियो था वो मेरा था पकौड़ा कढ़ी का। तो कढ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करना कि आपको आपकी कढ़ी कैसी बनी है और आपने कौन कौन सी रेसिपी जो खाने की है वो कौन कौन सी मेरे वीडियो देख के ट्राई करी है उसको एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैंने ये ब्रेड का भी वीडियो डाला था अपने बच्चों के लिए जो बनवाया आरव और रीति के लिए, तो इस तरीके से अरेंज किया हमने अपने बेड के बगल में ही इस वाले बेड को। और यहीं पर इसकी जो जगह है वो यहीं पर सही लग रहा है, मतलब देखने में भी, और रूम में बाकी तो फिर स्पेस भी नहीं है। तो आपको ये बैट कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट करिए। एक चीज़ और है कि वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और नहीं भी अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको अच्छा कमेंट ही करना है। अगर आपको कोई कमी दिख रही है तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को दूर कर सकूँ। और मैंने आप लोगों के लिए कुछ मंगाया है, मतलब आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों की थोड़ी सहूलियत के लिए। जैसे कि मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो फिर मेजरमेंट करने की आदत नहीं है मुझे, मैं नाप तौल के नहीं बनाती हूँ। मुझे 8 साल हो गए हैं मेरी शादी को और मैंने कभी भी कोई भी चीज़ नाप के नहीं बनाई है। मैं अंदाजे से ही बनाती हूँ और अंदाजे से ही नमक मिर्च डालती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो आपको इसकी ज़रूरत है कि मैंने कितनी मिर्च डाली है, कितना नमक डाला है और कितना क्या लिया है, कितना तेल डाला है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ये मंगाऊं कि ना मंगाऊं प्रोडक्ट आपके लिए, तो फिर मैंने फाइनली मंगा लिया है। तो ये है मेजरिंग कप एंड स्पून का जो सेट है, इसमें 9 निकले हुए हैं। ये जो कप और उल्टा दिखा देंगे, जो कप और जो स्पून है वो इसमें 9 का सेट है। और इसमें मेज़र करने के लिए सारी लिखा हुआ है हर एक कप में कि ये 200 ml का है, 250 ml का है, ये एक 1 स्पून है कि हाफ स्पून है, इस तरीके से। तो अब मैं जो भी रेसिपी बनाऊंगी इसी से आपको नाप तौल के दिखाऊंगी, तो मेज़र करने में तो आप लोगों को भी आसानी होगी रेसिपी समझने में कि आपको कितना क्या डालना है। और नमक मिर्च तो आप हर रेसिपी में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होता है कि आपको 1.5 चम्मच नमक चाहिए उसमें, ये 1 चम्मच चाहिए या 2 चम्मच चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा नमक मिर्च की क्वांटिटी नहीं बताती हूँ। मैं केवल रेसिपी को जैसे बनती है मैं क्या क्या डालती हूँ, बस वो चीज़ ज़रूरी है कि क्या क्या इसमें किस तरीके से बनी है, कौन सी चीज़ पहले डालनी है, कौन सी चीज़ बाद में डालनी है, तो बस मैं यही चीज़ इंपॉर्टेंट समझती हूँ किसी भी रेसिपी को बनाने में। और कमेंट आ रहे थे कि आप मतलब इसमें कितना क्या डाला है, कितना ये कितना डाला है, ये कितना डाला है, तो आप इसकी क्वांटिटी भी बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि शायद जो लोग वीडियो देखते हैं उनको उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि 1 कप ये डाला है, 2 कप ये डाला है या 1 चम्मच ये डाला है, तो उसके लिए फिर मैंने ये मंगाया। तो ये इसमें इस तरीके से है, प्लास्टिक का है ये, तो काफ़ी अच्छा है ये। आप अगर आप लोग भी मंगाना चाह रहे हैं मेज़र करने के लिए कोई भी रेसिपी देखकर, तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट पे दे रखा है, 149 का है, मतलब 150 का है ये। इसमें इस तरीके से कप निकले हैं और सब पे लिखा हुआ है, ये है 60 ml का और ये सबसे बड़ा वाला ये है, तो इस ये दे रखा है 240 ml का। और उसके बाद इसमें जो है इस तरीके से है सारे स्पून वगैरह, इस तरीके से ये चम्मच है और ये है 20 ml लिखा है उस पर, तो सब पे लिखा हुआ है, तो ये है 1 tablespoon, ये ऐसे करके इसमें जो निकले हैं चम्मच वगैरह कप वगैरह। तो अब मैं कोई भी रेसिपी बनाऊंगी तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूंगी आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो कोई भी रेसिपी समझने में। तो लेकिन मुझे ये कमेंट जरूर करके बताइए कि आपने मेरी इतने सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आपने कौन सी रेसिपी देखकर आपने ट्राई की है और आपकी रेसिपी कैसी बनी है, अच्छी बनी है या बुरी बनी है, तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं जान सकूँ आगे की जो रेसिपीज़ में। और ये भी कमेंट करिए कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं मेरी, तो फिर मैं उसी रेसिपी को वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगी जो भी कमेंट आएंगे। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और हमने मंगाई है अभी, तो जो हमारे ये बेड के गद्दे थे तो वो इस पे ट्रांसफ़र कर दिए बच्चों वाले बेड पे, तो हमने अपने जो है वो नए गद्दे मंगाए हैं।
जो मसल्स पेन वगैरह रहता है पीछे बैक में और शोल्डर वगैरह में, जिन लोगों के पेन वगैरह रहता है, तो उनके लिए ये जो स्पेशलिस्ट है बिल्कुल, ये गद्दा स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी ये गद्दा कौन सा है। तो मैं सोच रही थी, मैंने जैसा कि बताया है कि मैं अपने वीडियो में और अपने चैनल पे हर चीज़ शेयर करूंगी, जो भी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ अपने चैनल के थ्रू, रीति एंड मॉम्स के ब्लॉग के थ्रू, तो वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो इसीलिए आप इसी बात पे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा जो है वो नोटिफिकेशन मिलेगा और नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे, पार्टीज़ वगैरह के, सेलिब्रेशन के, जो भी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो या फिर मैं जो भी प्रोडक्ट मंगाती हूँ, मैं ऑनलाइन अभी ज़्यादा चीज़ें मंगा रही हूँ क्योंकि बाहर जाना होता नहीं है, अभी सेफ़ नहीं है बाहर मार्केट में जाना, तो इसलिए मैं जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ फ़्लिपकार्ट से। तो फ़्लिपकार्ट के कोई भी प्रोडक्ट मेरे ख़राब निकलते नहीं है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो घर गृहस्थी का कोई सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, रसोई का सामान हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो ख़राब नहीं निकली अभी तक। और अगर बाई चांस होता भी है थोड़ा बहुत, तो वो बहुत इजी है रिटर्न करना, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और जो उसके पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने एक बार मंगा लिया तो वो चीज़ रिटर्न नहीं हो रही है या आपको फिर मन मार के वो रखनी पड़ेगी, आपके पैसे ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है ऑनलाइन मंगाने पर। जो लोग मंगाते रहते हैं उनको पता होगा, जो नहीं मंगाते उनके लिए जानकारी थी। तो मैं आपको ये गद्दे दिखाती हूँ, ये जो गद्दे हैं इनको, इसको अवार्ड मिला हुआ है और ये एक गद्दा जो है वो 6,000 का पड़ा है हमें, तो दो गद्दे हमने 12,000 के लिए हैं। काफ़ी अच्छा गद्दा है, बहुत ज़्यादा, जैसे जिन लोगों के बैक पेन होता है, शोल्डर पे पेन होता है, तो उन लोगों के लिए बता देते हैं कि जैसे तखत पे लेटना है या स्ट्रेट होकर लेटिए आप लोग, तो हम लोग क्या करते हैं दवाइयाँ खाते रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि हमें दिक्कत किस चीज़ से, हमारे दर्द क्यों हो रहा है। एक्सरसाइज भी करते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं लेकिन वो उस चीज़ में उतना आराम नहीं मिलता है। तो जो हम 7-8 घंटे की जो नींद लेते हैं रात में, तो वो जो बॉडी का जो पॉस्चर है वो, मतलब किस तरीके से हम किस गद्दे पे लेटते हैं, किस गद्दे पे सोते हैं, वो चीज़ मेन है। तो अगर आप उसको भी थोड़ा सा सही कर लेंगे कि हमें कहाँ पे लेटना है, किस बॉडी का जो पॉस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो आपके हो सकता है पेन में कोई आराम मिले। तो यही जानकारी मैं इस वीडियो के थोड़े देना चाह रही थी कि मैंने जो गद्दा मंगाया है, आप अगर गद्दे लेना चाह रहे हो मैट्रेस यानी कि, तो मैट्रेस ज़्यादातर लोग नहीं जानते इसलिए मैं गद्दे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो आप जो भी मैट्रेस लेना चाह रहे हो तो इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाह रहे हो तो इन फ्यूचर ले सकते हैं, जब भी आप लें तो इस गद्दे को लीजिए, तो ये आपके लिए, बॉडी के लिए और बॉडी पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यही जानकारी थी इस वीडियो में। तो अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी, अभी तो मैंने चद्दर वगैरह बिछा रखी है, तो अभी मुझे इसमें कवर डालना है, कल मैं इसके कवर लेके आई थी, न्यू है बिल्कुल, अभी इसकी पन्नी भी नहीं उतारी हमने, तो अभी बिछा लिए थे, फिर मैंने सोचा कवर लेके आऊँगी, उसके बाद ही इसकी पन्नी जो है वो हटाऊँगी क्योंकि बच्चे काफ़ी अभी गंदा कर देते हैं, बच्चे छोटे हैं इस वजह से। तो अभी मैं हटा के आपको दिखाती हूँ कि कौन सा मैट्रेस है ये, और ये 12,000 के पड़े हैं, दो गद्दे दो मैट्रेस। और अगर आपकी भी बॉडी में कहीं पेन वगैरह रहता है और आपको डॉक्टर ने ये राय दी है कि आप तखत पर सोएं या किसी ज़मीन पर सोएं, तो आप इस मैट्रेस को, अपने मैट्रेस को चेंज कर सकते हैं और ये वाला ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा गद्दा है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी कंपनी का है, रेट तो मैंने आपको बता दिए कि ये 6,000 का एक पड़ा है, और इसकी कंपनी क्या है और ये देखने में कैसा है, मतलब हो सकता है कि आपको दुकान वाले मतलब बेवकूफ़ भी बना देते हैं कि नहीं नहीं ये यही वाला गद्दा है जो आपके स्पाइनल जो पेन है, मसल्स पेन वगैरह है, उसके लिए ठीक रहेगा, और वो अपनी चीज़ भेड़ देते हैं ज़बरदस्ती कस्टमर को, बेचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं दुकान वाले। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको मैं ओरिजिनल चीज़ दिखा दूँ, काफ़ी मतलब पता करने के बाद ये मैट्रेस हम लोगों ने ख़रीदा है मार्केट से ही, ऑनलाइन नहीं ख़रीदा, मार्केट से ही लेके आए थे ये सब कुछ पता करने के बाद। तो फाइनली मैं चलो इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको कि कौन सा है ये। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ कि मैंने अपने मैट्रेस के लिए ये बहुत पहले ये कवर मंगाया था, करीब 2 महीने पहले, और मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया था। मैंने मंगाया था ये फ्लिपकार्ट से 600 रुपये का। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ये, काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये चारों तरफ से जो है वो इलास्टिक होती है ऐसे करके कॉर्नर में, तो हमें मतलब बिछाने में भी ईजी रहता है, सिकुड़ता बिल्कुल भी नहीं है ये चद्दर से, ये इसमें इलास्टिक लगी हुई है आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से अगर हम चारों तरफ इसको दबा लेते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ता, चद्दर बिल्कुल इस पर बढ़िया रहती है। तो ये 600 का है। अगर आप मैट्रेस प्रोटेक्टर भी मंगाना चाह रहे हो तो आप ये इसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। तो मुझे 600 का पड़ा था ये, तो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कौन सा मैट्रेस है। मैंने इसकी पन्नियाँ भी इसीलिए नहीं निकाली थी, मैंने सोचा पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ, उसके बाद ही मैं इस पर जो है। तो ये देखने में कुछ इस तरीके का है, अगर आप लेना जा रहे हो तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। लिब्रा का है ये, लिब्रा मैट्रेस जाग उठी जिंदगी। और ये लिखा हुआ है देखिए, आप देख सकते हैं, स्पाइनल सपोर्ट प्लस जो है मस्कुलर रिलीफ, यानी कि मसल्स पेन जो होता है मस्कुलर पेन उसको भी ये मतलब उसमें आराम देता। और ये अवार्ड मिला हुआ है सरकार की तरफ से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑर्थोपेडिक, लिखा है ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। तो ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। मैंने इसीलिए पन्नी नहीं ओपन करी थी, मैंने सोचा पहले मैं इसको शेयर कर लूँ, उसके बाद ही इसमें कवर चढ़ाऊँगी। तो अब मैं इसकी पन्नी हटा दूँगी तो फिर इस पर कवर चढ़ा लूँगी। तो कवर से क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारी जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक जाती है ऐसा मुझे लगता है, और साफ़ सुथरी भी रहती है। और जैसे कि अगर हम कुछ इस पर गिर भी जाता है तो कवर निकाल के तो धो सकते हैं, गद्दा नहीं धो सकते। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप लाते हैं तो उसका कवर ज़रूर खरीदिए, मैं तो ख़रीद लेती हूँ तुरंत ही। तो ये इस तरीके का है। और आप बताइए, बस इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, मैं अपना ये मैट्रेस ही आपको जो है वो शेयर करना चाह रही थी कि आप इस तरीके का है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, और बहुत ही इस पर सोने में काफ़ी आराम मिलता है, कोई पेन वगैरह नहीं है बॉडी में। तो बताइए आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ये जब मैं गद्दे पे कवर चढ़ा रही थी तो ये साइड से इसमें 3 स्टिकर भी लगे हुए हैं, इसमें दे रखा है कि इसमें लिखा हुआ है 7 साल की इसकी वारंटी भी है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है 7 ईयर। और उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आप इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए ऑनलाइन जैसे आप मंगाते हैं तो आप किस किस स्टेप से इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसका साइज़ दे रखा है, प्राइस दे रखे है। ये साइड से ये चिपका हुआ था उस टाइम, मैंने देखा नहीं, अभी देखा है तो फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये चीज़ भी। तो इस मतलब इस गद्दे की जो है वो 7 साल की वारंटी है, 7 साल में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो एक जो है वो इस तरीके का इस पे कवर लगा हुआ था, मतलब ये इसको हो गए 25 साल, 25 साल हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये स्पाइनल जो पेन होता है बॉडी में मसल्स पेन, उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये वाला मैट्रेस, इंडियाज़ ओरिजिनल ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। मतलब ये ओरिजिनल है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि अगर आप लेने जाएं तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर लें, जो जो इस पर लिखा हुआ है वो उस पर लिखा है, जो बना है ये सब कुछ है या नहीं है, वरना दुकान वाले तो अपनी चीज़ बेचने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं कि ये ओरिजिनल है या ये ले जाइए ये बहुत अच्छा है ये वो। तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आप सब्सक्राइब कैसे करते हैं आप अगर नहीं जानते हैं, तो नीचे जो रेड कलर का लिखा हुआ है एस से, वो उसको आपको क्लिक करना है, और उसके बाद जो बगल में जो बेल आइकन आता है घंटी बन के आती है उस पर आपको क्लिक करना है, तो मेरा चैनल जो है वो लाइक हो जाएगा। तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी और आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं नए नए वीडियो और नई नई चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपने इस चैनल के थ्रू। तो इस चैनल बनाने का मेरा यही एक वो है मोटिवेशन कि मैं अपनी हर चीज़ आपसे शेयर कर सकूँ, कोई भी मेरे पास अगर जानकारी है तो मैं आपको दे सकूँ। और बस मिलते हैं नई किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ।